ओम शांति। 2/12/2020 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न, मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्र आते हैं? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं, क्यों? उत्तर, मनुष्यों को इस समय फिकरात ही फिकरात है। बच्चा बीमार हुआ तो फिकरात, बच्चा मरा तो फिकरात, किसी को बच्चा ना हुआ तो फिकरात, कोई ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिकरात। यह है ही डरती दुनिया, दुख देने वाली। तुम बच्चों को कोई फिकरात नहीं, क्योंकि तुम्हें सदगुरु बाबा मिला है। कहते भी हैं, फिक्र से फारिग कींदा स्वामी सदगुरु। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहां कोई फिकरात नहीं। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में शिरखंड होकर रहना है। कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना है। अपने आप को आप ही सुधारना है। दूसरा, देह अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। वरदान, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाजीत भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। स्लोगन, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। ओम शांति। लाख करे दुनिया तेरा साथ ना छोड़े। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे तेरा साथ छोड़ेंगे।